जूनियर और प्राइमरी की एक अगली सीरीज में हम आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो 50 अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जहां पर जीएस, जीके, करंट, रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होगी। यह सीरीज प्रतिदिन रात 9:30 बजे इलेनी बी दुर्गेश पर निःशुल्क मिलती है, क्योंकि यहाँ कॉपी कलम लेकर बैठेगा। निःशुल्क क्लास देशित में, राष्ट्रहित में आप सभी लिए उपलब्ध है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज, आपके लिए है क्रमवार एक एक करके। ये परीक्षा वाले प्रश्न है, जैसा हूबहू पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम के आधार पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। यकीनन अगर आप रेगुलर वीडियो को देख रहे होंगे, सीरीज को देख रहे होंगे, तो आपको ये पता होगा इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं आएंगे, वो प्रश्न परीक्षा वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2001 से 11 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर एवं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः कहाँ कहाँ रही। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन सभी के लिए जो लोग सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हुए हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और अब की बार एक सीट हमार, तो बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर सर्वाधिक की बात करें, हम जहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि की बात करें सबसे ज्यादा, तो वहां पर इसका उत्तर क्या होगा, मेघालय। क्या है? मेघालय। अगर सबसे कम की बात की जाए तो नागालैंड है। सबसे कम कौन सा है? नागालैंड। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी राइट आंसर है। मैंने जितने साथी लोगों ने, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया, उन लोग का आंसर सही है। जिनको साफ नहीं दिख रहा है वो यहाँ पे तीन लाल विंडो पर क्लिक करें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। जैसे 360p पर आप देख सकते हैं, चाहे 720 पर, 480 पर। यह वीडियो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर निःशुल्क लाइव चल रहा है, आप सभी के लिए, देशहित में, राष्ट्रहित में। अगला प्रश्न आपके सामने है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ये सारे परीक्षा वाले प्रश्न हैं। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो कहीं ना कहीं यह वीडियो सीरीज आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्दी से कमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग बताइए जल्दी से कमेंट के माध्यम से क्या होगा। जी हाँ, देखिए अगर इस प्रश्न के जवाब की तरफ हम बढ़ेंगे कि पिग्मी जनजाति एक विषुवत रेखा अफ्रीका के पास पाए जाते हैं, तो यह जो है कांगो, यहाँ पर उत्तर होगा जो कांगो नदी है उसके बेसिन में ये जनजाति है। ये शिकारी, ये पेड़ों पर झोपड़ी बना के रहते हैं, जिन्हें हम मोंगुलस कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोंगुलस कहते हैं। अगर इनकी हाइट की बात करें तो महिला 115, पुरुष 125 सेमी होते हैं। ठीक है, महिला मेल और मेल। ये जंगलों में रहते हैं, मिट्टी का लेप लगाते हैं, बांस की सीट लगाते हैं, और ये अब वर्तमान जीवन शैली से जुड़ चुके हैं। पहले ये वर्तमान जीवन शैली से नहीं जुड़े हुए थे, तब इनकी और अब की स्थिति में एक बड़ा अंतर हमें और आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, यहाँ से किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगला है आपके सामने प्रश्न नंबर 3। यार वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, चाहे आप जहां भी देख रहे हैं सभी साथियों को शेयर करिएगा, पैसे नहीं कटेंगे, लोगों तक पहुंचाइएगा। ध्यान दीजिएगा, कोरल रीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरल रीफ जीवाश्म पट्टी प्रायः कहां पाई जाती है। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जल्दी कमेंट करिए। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहां पाई जाती है, ये यूनिक प्रश्न है। प्रवाल पे तो पूरा द्वीप बसा है, जैसे भारत का अगर पूछा जाए भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल पे बसा है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। आज आपके लिए एक और क्लास स्टार्ट हो गई है, जी हाँ, परीक्षा मैगजीन की, जो आप सभी के लिए है। तब तक अनवरत चलती रहेगी जब तक आपका चयन ना हो जाए। कोरल रीफ अगर देखा जाए तो ये जैसे कोरल जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये भूमध्य रेखा से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक, माने कर्क और मकर रेखा के बीच पाया जाता है, छिछले महासागरों में पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये कर्क क्यों मकर रेखा के बीच पाया जाता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूर्वोत्तर श्रेणी पर दुनिया का सबसे बड़ा कोरल भित्ति की पट्टी पाई जाती है, और यह छिछले समुद्रों में पाया जाता है। लक्षद्वीप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो भारत में है। ठीक है, भारत में अगर इसके उदाहरण की बात करें तो क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, देख लीजिए जरा, दिख नहीं रहा है। चलिए हम और आगे चलते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देश और उसकी, यहां देश और उसकी राजधानी दी गई है। चलिए ध्यान से देखते हैं उनकी देश और राजधानी कहां है।
इसमें है शायद क्या। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सभी राजधानियों को देखना है और ये जानना है कि किसकी राजधानी कहाँ है। हमारे पेन का ढक्कन नहीं मिल रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट पेपर सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे है पैलेस्टाइन, जो पैलेस्टाइन है इसकी राजधानी रामल्ला है। कोसोवो प्रिस्टिनिया, टर्किश साइप्रस निकोसिया, ताइवान ताइपे, ये काफ़ी चर्चित है चीन को लेकर। ठीक है, चीन को लेकर काफ़ी चर्चित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम आगे चल रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करने के बाद ना शेयर जरूर कर दिएगा, आप इतनी सपोर्ट करिए, यकीनन ऐसी सीरीज पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। और जब परीक्षा देकर बाहर निकलेंगे, बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू हमारे पढ़ाई मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। तब आप लोग को भरोसा और ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट का सवाल है, कह रहा है कि प्रतिभूति नियमों के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने फाइनेंशियल एंड कमीशन डे सर्विलांस डू सेक्टर योर फाइनेंसर लग्जमबर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, ये परीक्षा वाले प्रश्न है। इन दोनों ने दोनों देशों को मजबूत करने के लिए लग्जमबर्ग के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। ज्ञापन लग्जमबर्ग और भारत के प्रतिभूतियों बाजारों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की अनुमति देगा। सेबी का फुल फॉर्म जरूर कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न शायद आपके सामने आपको दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 6, कह रहा है निम्न में से कौन सा तना है। भैया बिना देरी किए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तना है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे आपका बेशक प्रश्न गलत हो जाए, जवाब सभी का आना चाहिए। यार इतनी कम संख्या है, कुछ तो लोगों तक पहुंचाइए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सही जवाब। चलिए, अगर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ताना है, इस प्रश्न का उत्तर होगा अदरक। क्या होगा? अदरक। गन्ना आलू अदरक, गन्ना आलू अदरक, ये सभी किसके हैं? ये तने का रूपांतरण है। बंद कर दीजिए, इसको चालू कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये बात जानते रहिएगा, सलजम गाजर शकरकंद ये जड़ों की श्रेणी, ये जड़ के अंतर्गत, जड़ के अंतर्गत, जड़ के अंतर्गत आता है। लेकिन अदरक की बात करें, आलू की बात करें, ये सभी क्या तना के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? ये साइंस के प्रश्न है, सिलेबस में सामान्य विज्ञान भी है। ठीक, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रश्न नंबर 7 का जवाब क्या होगा? यहां पर वसा का। किसका? वसा का। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयव संघनन से बना हुआ रवाकित जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तीन है, एक नहीं है। गेहूं से, गेहूं सा, आलू से, पिछौती झुलसा, बाजरा अरगट, गन्ना से बुकनी रोग, गलत है। बुकनी रोग गन्ने में नहीं होता, जौ में होता है, नाशपाती में होता है, गेहूं में होता है, प्याज से, अंगूर में होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो डी, माने जो गलत है वही सही होगा। चलते हैं हम फिर से अगले प्रश्न की तरफ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला सवाल आपके सामने है, जो करंट के सवाल हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। आपके लिए कुछ स्पेशल क्लास व्यवस्था की गई है, जो आपके सिलेबस में है उसकी क्लास के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा।
जो क्लास फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों पर आपके लिए लाइव होगी। यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है बताइए। अगर इस बात की हम लोग देखें कि अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है तो ये 9 दिसंबर को है। 10 दिसंबर को आपको पता ही है ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन प्रस्ताव पारित कर से चिन्हित किया गया। प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज आपने एक नया तथ्य सुना होगा, एक नया तथ्य पढ़ा होगा। सोचिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ आज हम लोगों ने पढ़ा। अगला है सीपरी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 2020 में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। सीपरी कहाँ स्थित है? सीपरी कहाँ है? सीपरी अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये स्वीडन में। कहाँ पर होगी? स्वीडन में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सीपरी के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा सभी साथी, क्योंकि आजकल परीक्षा में जब फुल फॉर्म पूछता है तो हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। सीपरी में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। सीपरी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत को 2020 में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक के रूप में स्थान दिया। अमेरिका कंपनी का बाजार में दबदबा रहा, चीन दूसरे स्थान पर आती। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला 2020 के रूप में किसे नामित किया गया? 11 का जवाब आप सभी लोग को जरूर देना है, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। सभी लोग हो सके तो वीडियो को लाइक का बटन दबाने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग को। यार इतनी कम संख्या, मुझे खुद को लगता है यार पढ़ाने में आखिर कैसी कमी रह जाती है। इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके करियर से बढ़कर क्लासेज नहीं। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, एंजेला मर्केल। फोर्ब्स द्वारा जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में नामित किया गया है। अगर दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो क्रिस्टियन लगाड़े, ये दूसरे स्थान पर थी, ये कहाँ की थी? फ्रांस की थी। और तीसरे स्थान पर कमला हैरिस, ये यूएसए की थी। कमला हैरिस तीसरे स्थान पर थी, यूएसए की थी। अगर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो 41वें स्थान पर थी। रोशनी नंडार मल्होत्रा 55वें स्थान पर थी। किरण मजुमदार 68वें स्थान पर थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारतीय महिलाओं का भी दबदबा रहा, ठीक है। जिसको वीडियो साफ नहीं चल रहा हो, 3 डॉट बिंदु पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लेगा, ठीक है। एकदम HD में चल रहा है क्लास। अगला है 12 नंबर कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर के शहरों में सूची में शामिल किया गया? देखिए इसका उत्तर होगा ग्वालियर और ओरछा, माने 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने शहरी लैंडस्केप सिटी कार्यक्रम के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में MP की ग्वालियर ओरछा को शामिल किया है, ठीक है। चलते हैं हम और एक अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने प्रश्न नंबर 13, रक्षा सचिव बनने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी के रूप में किसे नामित किया गया? किसे नामित किया गया? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी, जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए देखते हैं, रक्षा सचिव बनने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी के रूप में किसे नामित किया गया? प्रश्न नंबर 13। तो यहां पर इस प्रश्न का जवाब अगर हम देखें तो लॉयड ऑस्टिन होगा। क्या होगा? लॉयड ऑस्टिन। लॉयड ऑस्टिन को अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा अगले रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया। ये ऑस्टिन रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले अफ्रीकी मूल के पहले अमेरिकी होंगे, ठीक। अगला है PM वाणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 3 सही है और 1 गलत है। PM वाणी का अर्थ पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क एक्सप्रेशन है।
इसे पब्लिक डेटा ऑफिस द्वारा कायम रखा जाएगा। नगर निगम द्वारा वाईफाई नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जी नहीं, सभी सही है, नहीं, ये भी गलत हो गया। यहां पे कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है, सभी सही हो ही नहीं सकता। मैंने प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा पीएम वाणी के नाम से जानी जाएगी, इसे पब्लिक डेटा ऑफिस एडिटर द्वारा स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस योजना से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर वाईफाई क्रांति आने की उम्मीद है। वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ठीक, अगला है, ऑस्ट्रेलिया में लागू गो फॉर जीरो पॉलिसी किससे संबंधित है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। गो फॉर जीरो पॉलिसी, गो फॉर जीरो पॉलिसी अगर हम बात करें तो क्या होगा, अपने COVID-19 के मामले में कमी लाना। मैंने ऑस्ट्रेलिया ने गो फॉर जीरो पॉलिसी ने देश को अपने COVID-19 मामलों को कम करने में मदद की है। ठीक, किस संस्थान ने हवा से पानी निकालने की तकनीकी विकसित की है? भारत विकसित औद्योगिक संस्थान गुवाहाटी, जी हाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हवा से पानी निकालने के लिए एक नई तकनीकी विकसित की है। अगला सवाल है आपके लिए, यहाँ पे मिलान करना है, एक तरफ देश है दूसरी तरफ पर्वत शिखर है, एक तरफ देश दूसरी तरफ पर्वत शिखर है। अल्बुस, अल्बुरुस जो है वो कहाँ पर है? तो ये रूस में है। कहाँ पर है? रूस में। किलिमंजारो तंजानिया में है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कुक ये न्यूजीलैंड में है। माइकिल्ले यूएसए में। तो यहाँ पर हमने आपको सारे प्रश्नों को मिला दिया। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में हो पूछे जा सकते हैं, इसलिए मत पढ़िए कि आपने कितना उत्तर दिया, इसलिए पढ़िए कि दोबारा यहाँ से आपका प्रश्न गलत ना होने पाए। ठीक है, समझ में आया? किसी को दिक्कत हो तो जरूर पूछ सकता है। बढ़े हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? प्रश्न नंबर 18, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बताइए, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? एकदम आसान सा प्रश्न है, 18 नंबर, 384,400 किलोमीटर, 384,400 किलोमीटर है लगभग। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय पहुंचता है? एक 1.25 सेकंड, क्योंकि प्रकाश की चाल 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोल की अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता, ये कथन हो गया। आजकल ट्रेंडिंग वाले प्रश्न ऐसे। दूसरा, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। प्रश्न नंबर 19 का जवाब क्या होगा? इसमें देखिए, ए तथा आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ए राइट आंसर है, ए इसका सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, देखिए ऑनलाइन क्लास से नोट्स के संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए, इलनी में दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आपके लिए मेरे द्वारा निःशुल्क संचालित की जाती है। फेसबुक पे, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, इलनी में दुर्गेश ऐसे गेस्ट के रूप में। जरा बताइए, सागौन, प्रश्न नंबर 20 आप देख पा रहे हैं, सागौन ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? बताइए, ये मध्य भारत में मिलते हैं। देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्रों में, सुंदरी के वृक्ष सुंदरबन में, सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन जिसे मलेरिया की दवा बनती है हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलती है। ठीक,
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये वैसे भारत और बांग्लादेश की सीमा पे जो सुंदरबन डेल्टा है वहां पाए जाते हैं। ठीक, अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंबाला, करनाल, पुणे, इज्जत नगर। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे हम क्या कहते हैं? एन डी आर आई। इसका मतलब होगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या आप लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं, क्या आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक करने के बाद अपने साथी मित्रों को शेयर कर दिया है? अगर कर दिया है तो आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। ईश्वर करे कि आप लोग अगला जो पथ है निरंतर बढ़ते रहें और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 20, दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य झारखंड गुजरात, गुजरात ओडिशा, ओडिशा महाराष्ट्र, ओडिशा झारखंड। अगर प्रश्न नंबर 22 की अगर हम बात करें तो 2017-18 का जो आंकड़ा आया है उस प्रश्न के हिसाब से गुजरात एवं ओडिशा होगा। क्या होगा? गुजरात एवं ओडिशा होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोनारा 63 एक प्रजाति है किसकी? ये गेहूं की एक प्रजाति है, प्रायः धान या गेहूं की ही पूछी जाती है। ठीक, अगला सवाल आपके सामने है, ये करंट से जुड़ा सवाल है। कह रहा है, किस देश के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? जरा बताइए कमेंट करके। बताइए 24, सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी साथी। बताइए सभी लोग। देखिए, अगर हम 11 की बात करें, 23 नंबर हुआ तो नहीं, अगर हम 24 अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका होगा भारत। क्या होगा? भारत। खाद्य कृषि संगठन ने भोपाल मध्य प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि विज्ञान संस्थान परिषद की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया। ठीक है, हम्पी पत्थर निर्मित रथ को नुकसान से बचाने हेतु एक चेन बैरिकेड लगा दिया गया, यह किस राज्य में स्थित है? हम्पी किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोग लगातार हिलने पर दुर्गेश से जुड़े होंगे, यकीन मानिए ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो जल्दी से बताइए। यह आपके कर्नाटक राज्य में विजय विट्ठल मंदिर के सामने प्रतिष्ठित हम्पी एक पत्थर निर्मित कर्नाटक राज्य में मंदिर है। ठीक है, अगला 26, केंद्र सरकार द्वारा त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान योजना का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुल वार्षिक कारोबार क्या है? देखिए, यहां पर होगा 5 करोड़ रुपया। किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला विविध रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च किया? यहां पर होगा टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। नहीं, यह होगा आपका कोटक महिंद्रा, सॉरी, इसका होगा कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। देखिए, भारत के पहले विविध रियल एस्टेटमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला 28, कह रहा है, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल को 2024 के ओलंपिक के लिए आधिकारिक खेल के रूप में जोड़ा गया? बताइए।
देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प क्या होगा, क्रिकेट। कैसे, आइए देखते हैं। ध्यान से देखिए, वेनेजुएला के ट्रिपल जंपर यूलिमार रोजास को महिला वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया। पुरुष वर्ग में वर्ल्ड एथलीट ये पुरस्कार दिया जाएगा। मैंने अगर यहाँ पर हम देखें कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, तो आपका क्या होगा, क्रिकेट होगा। ठीक है, क्या होगा, क्रिकेट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नहीं, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ब्रेक डांस होगा, सॉरी यहाँ पर बी होगा, ब्रेक डांस। हाँ देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC कार्यकारी बोर्ड ने पेरिस ओलंपिक में पहली बार एक ओलंपिक खेल के रूप में प्रतिपादित ब्रेक डांस को दिया, जी हाँ, यहाँ पर ब्रेक डांस होगा, यहाँ पर बी ब्रेक डांस होगा। ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक डांस होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डांस पहली बार ये पेरिस ओलंपिक में, कहाँ पे, पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस रखा गया, क्रिकेट नहीं होगा। ठीक, क्या होगा, ब्रेक डांस इसका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक डांस। यार इंसान ही, गलती हो जाती, भूल जाते हैं ना। ठीक है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यहाँ पे मंत्रालय दिया गया है। आइए इस मंत्रालय की तरफ ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम इंटीग्रेट डेवलपमेंट तीनों भूमि संसाधन विभाग से है। ये तीनों क्या है, भूमि संसाधन विभाग से हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है यहाँ से कोई नहीं होगा। कैसे, कि जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स द्वारा चलाए रहे कार्यक्रम, जो फरवरी 2009 से प्रवृत्ति कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाए, इसमें भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है, ग्रामीण मंत्रालय का एक विभाग है, जिसके विकल्प में नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई नहीं होगा, डी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, माना हमारा भारत है, देखिए यहाँ पे पश्चिम तरफ बहने वाली सतपुड़ा पहाड़ी के दोनों बीच में से, ठीक, यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ऐसी नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, पूरब से पश्चिम तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाकर अपना जल गिरा देती हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा एक और दो, राप्ती नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये घाघरा की एक सहायक नदी है, किसकी, घाघरा की एक सहायक नदी जो उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा और सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा है, जैसे मैंने पूछा कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो जी हाँ, आप लोगों ने सही जवाब दिया है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारत की जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है। जैसे अगर प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार अगर पूछेगा तो क्या होगा, तो जो प्रादेशिक जल क्षेत्र यहाँ पे पहले ये क्या है, ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन से लेकर 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहते हैं, जिसका संपूर्ण अधिकार भारत के पास होता है। फिर क्या होगा, आधार रेखा से 24, फिर आधार रेखा से 176 माने 200 नॉटिकल मील, फिर 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 2, लेकिन यहाँ पे आधार से ही है ये। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी राइट आंसर होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, ये परीक्षा वाले प्रश्न है। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहां पर है। जैसे मैं यहां पे छोटा सा फिर से मैं मैप ड्रा कर दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में, समझने में आसानी हो जाए। ठीक, माना ही हमारा भारत हो गया, इस भारत में
जो दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु होगा। पश्चिमी बिंदु क्या है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पर है, कीवी गौर माता या सरकरी, यहाँ पर कीवीथू या बालांगू, ये 97 डिग्री 25 मिनट है। ये उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट, जो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रश्न नंबर हम 32 की बात करें तो क्या होगा, इंदिरा पॉइंट है, ये 6 डिग्री 4 मिनट पर है। कन्याकुमारी ये मुख्य बिंदु है, तो यहां पर इसलिए आप लोग को जानना होगा जो इंदिरा पॉइंट है, ये पश्चिम में दो नाम है, इसका नाम है गौरमोता या सरक्रिक, इसका नाम है कीवीथू या वालांगू, ऊपर वाले का नाम इंदिरा कॉल और दक्षिण वाले का इंदिरा पॉइंट। इस प्रकार मैंने आपको बताया प्रश्न नंबर 32 का क्या होगा। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे, लोगों तक पहुंचाइए। कर भला तो हो भला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। इसके बाद एक अगली जो क्लास होगी उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर रिक्त की दशा में किसी सदस्य के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की प्राधिकृत करने की शक्ति किसके पास है, तो 33 का जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। इसके अलावा दो विकल्प अन्य हैं। 33 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं, क्या होगा, यहां पर है राज्यपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष, तो क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी जरूर इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा राज्यपाल, कैसे, आइए हम इसका जवाब देते हैं। ध्यान से देखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु या पद त्याग या अन्य कारण से उसके पद अगर खाली होता है तो राज्यपाल अधिसूचना द्वारा आयोग के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। चलिए अगला है आपके सामने, जिनको वीडियो साफ नहीं दिख रहा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें तो आपको वीडियो पूरी तरह से HD में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए, ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, कह रहा है ए और बी हॉकी और फुटबॉल। इसको हल करने का तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे ए है तो ये हॉकी भी खेलता है, ए ए बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, बी ये भी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, बी सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, बी और सी ये फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। फिर कह रहा है सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, सी क्रिकेट भी खेलता है और वॉलीबॉल खेलता है, ई जो है वो भी क्या है, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलता है। आगे चलता है, आगे कह रहा है, अच्छा यहाँ पर हमने नहीं देखा, डी और ई टेनिस खेलते हैं, डी और ई, ई और डी, डी क्या खेलता है टेनिस और ई भी खेलता है टेनिस, जहाँ ए और सी वॉलीबॉल फुटबॉल खेलते हैं, ए और सी, ए और सी, ए और सी, सी क्या खेलता है वॉलीबॉल, सी वॉलीबॉल खेलता है, ए और सी भी क्या करता है वॉलीबॉल भी खेलता है, क्लियर। ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी, ए और डी क्या खेलते हैं फुटबॉल हमने लिखा ही है और हॉकी, माने डी जो है वो फुटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, कौन हॉकी फुटबॉल और टेनिस तीनों खेलता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो डी है फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, टेनिस भी खेल रहा है, इस प्रश्न का उत्तर डी ही होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी, ठीक, क्या होगा डी, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप इसे डायग्राम क्रिएट कर लेंगे आपको और आसान लगेगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी लोग। अगला है, एक क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया, यह है ध्यान दीजिएगा, भारत
कि हारे हुए मैच कितना हो गए भारत ने जो हारा, दो। लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हारा है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हारा, वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार हारा। अच्छा, वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार हराया, फिर कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया, फिर भारत ने वेस्ट इंडीज को न्यूजीलैंड को 2-2 बार हारा। कौन सा देश सबसे ज्यादा संख्या मैच हारा? भारत के हारे हुए मैच 2 हो गए, ऑस्ट्रेलिया कितना हारा, ये ऑस्ट्रेलिया कितना हारा, ये भी 2 हारा। कैसे? भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया, यहां पे देखा ना, 2 बार हराया, ऑस्ट्रेलिया भी 2 बार हारा। फिर अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड कितनी बार हारता है, न्यूजीलैंड भी 2 बार हारा। कैसे? देखिए, न्यूजीलैंड 2 बार हारता है भारत से। फिर आगे कह रहा है कि वेस्ट इंडीज कितनी बार मैच हारता है, वेस्ट इंडीज 4 बार मैच हारेगा। 4 बार कैसे? वेस्ट इंडीज 2 बार भारत से हारता है और ऑस्ट्रेलिया से 2 बार, तो वेस्ट इंडीज 4 बार। तो पूछा सबसे ज्यादा मैच कौन हारा, वेस्ट इंडीज। कैसे? 2 ऑस्ट्रेलिया से और 2 इंडिया से, कुल कितने मैच हारे, 4। माने इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। ये रीजनिंग के सवाल है, इतना आसान रीजनिंग नहीं आएगा शिक्षा में भर्ती परीक्षा में जितना हम और आप सोच कर बैठे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ऐसे प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग वाले, कथन कारक और अनुमान लगाने वाले, तो जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। कह रहा है कि सभी मछलियां कछुए हैं, हमने यहां पे मछली बना लिया, क्या है, कछुए हैं, कछुआ है। अगला कह रहा है कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है, माने घड़ियाल अलग है। अब विकल्प बताना है कि कोई घड़ियाल मछली नहीं, कोई घड़ियाल जो है ये घड़ियाल, कोई भी घड़ियाल मछली नहीं है, सही बात, कोई मछली घड़ियाल नहीं, कोई मछली घड़ियाल नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि कोई मछली घड़ियाल नहीं है, यहाँ पर इस बात का कोई अनुमान ही नहीं है। तो इसमें से कौन अनुमान है? अनुमान केवल ए है कि कोई घड़ियाल मछली नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। जिस विकल्प के आधार पर, जिस कथन के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं वो ए होगा। ठीक, 36 का ए, नहीं, ध्यान दीजिएगा यहां पर, यहां पे ए और बी दोनों लगा सकते हैं, सी भी होगा कि कोई मछली भी घड़ियाल नहीं है ना, दोनों हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा दिखा रहा हूं, सभी मछली क्या है, कछुआ है। तो यहां पर जब सभी मछली कछुआ है तो कोई घड़ियाल मछली नहीं है ना कोई मछली घड़ियाल है, ये दोनों क्या सही है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, सी होगा, सी। ठीक है, दोनों निकलेंगे क्योंकि कोई मछली भी घड़ियाल नहीं, क्योंकि जब ये सत्य है तो ये भी सत्य होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा, माने ए और बी दोनों निकलते हैं। ठीक है, अगला अगला पद आपको ज्ञात करना है, तो जल्दी से कमेंट करके अगला पद आप लोग बताइए क्या होगा। सभी साथी जल्दी से सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में आप यहां से जानकारी ले सकते हैं, समय कम है, सारी चीजें आपको यहां से उपलब्ध हो जाएंगी। मेरी क्लासेज आप सभी को निःशुल्क उपलब्ध होंगी, देशित में, राष्ट्रहित में, प्रतिदिन रात 9:30। एक अगली क्लास आपके लिए जरूर मिलेगी, टेलीग्राम सभी लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के, जुड़े रहिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। यहाँ 3 है तो यहाँ पर हमने देखा 3 3 6 3 9 3 12, 3 क्या होगा, 15, 16 4 20, 20 6 26, 26 और 8 34, और 34 और 10 44। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, मतलब पहले 3 3 जोड़ा है फिर अगली संख्या जोड़ा है। ठीक है, माने इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब, माने 2 जोड़ा 4 जोड़ा 6 जोड़ा 8 जोड़ा, इस तरह वो अगला क्रम चल रहा है,
और एक में तीन तीन जोड़ता जा। मेरे इस प्रश्न का उत्तर 1544 होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना यार? आप लोगों को शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, बताइए सिलेक्शन कैसे लेना है। अगला है, अच्छा ये सवाल तो हो गया, ये भी हो गया। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, अनुच्छेद 249 खंड एक के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं करेगा, बताइए। सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। जल्दी कमेंट कर बताइए सभी लोग। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ध्यान से अगर देखें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रश्न नंबर 38 का, जो 38 है आपका प्रश्न, यहाँ पर एक वर्ष कैसे, आइए ध्यान से देखते हैं। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि बनाने के लिए संसद को शक्ति देती है। राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित इस संकल्प के बाद 249 के खंड 2 के अंतर्गत राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, लेकिन जितनी बार किसी ऐसी संकल्पना को बनाए रखने की अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में पारित हो जाता है उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख तक अधीन या प्रवृत्त नहीं रहता। एक वर्ष से अधिक तक ये प्रवृत्त रहेगा, मन एक साल तो उसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर एक वर्ष इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं चाहूँगा सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, निःशुल्क है, देशहित में राष्ट्रहित में। चाहे तो लेने में दुर्गेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको है कैसे लेना है। अनुच्छेद 200, देखिए अनुच्छेद 200 की अगर हम बात करें, सभी लोग ध्यान से जानते रहिएगा, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों से जो पारित विधेयक राज्यपाल के सामने रखा जाता है, राज्यपाल उस पर अपनी सहमति दे या रोकने के अतिरिक्त उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। जबकि अगर हम 201 की बात करें तो 201 के तहत राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयक पर विचार करता है तथा अपनी अनुमति देता है या रोक लेता है। 169 क्या है जरूर कमेंट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, 169 क्या है। जी हाँ, ये राज्य की विधानमंडल से संबंधित है, ठीक, विधानमंडल से संबंधित है, बताइए क्या होगा। हाँ आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, सभी लोग जवाब जरूर देते रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। 169 हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। 40 सभी लोग जवाब दीजिएगा, बताइए सभी लोग कमेंट करके। 40 राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा है। कौन सी सभा है, राज्यसभा है। अब आइए, 280 सदस्य जिसमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसका क्या होगा, पहले आप बताइए तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा। इसमें 280 सदस्य होते हैं, जी नहीं 75, जी नहीं 250 सदस्य होते हैं। कैसे, 233 सदस्य जनता द्वारा, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 5 अधिकतम है। इस प्रकार कुल कितने हैं, 250। इसमें 31 सदस्य उत्तर प्रदेश अकेले देता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी राइट आंसर होगा, मैंने जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, 70, 72,
74 और 75। 72 तो आपको पता होगा राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियां हैं, तो प्रश्न नंबर 41 क्या होगा? जी हां, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 75। कैसे? भारतीय संविधान 75 अनुच्छेद, अनुच्छेद 75 ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदच्युत को विवेचित करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, और 75-2 में सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे। 72 क्षमादान है, 74 क्या है? राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जो उसकी सलाह देने के लिए काम करे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। अगला है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे भारत में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एडॉप्ट किया गया है। इसका भाग देखा जाए तो भाग 4 क है, अगर अनुच्छेद की बात करें 51 क है। पहले इसमें 10 अनुच्छेद थे, अब एक हो गया, अब इसमें 11 विषय हो गए। ठीक, ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, एक प्रश्न है लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में 542 जन 43 जनता द्वारा चुने जाते हैं। दो आंग्लभारी मनोनीत किए जाते हैं जो अभी स्टाला के शर्तें लागू हैं, और 7 सदस्य अधिकतम होते हैं, अधिकतम 552। निर्वाचन होता है 543 पर। ठीक, अब यहां पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42 क्या होगा। अस्पृश्यता को मिटाने का, ये आपके अनुच्छेद 17 में है, जो क्या है? भाग 3 में है। भाग 3 क्या? मूल अधिकार। इसलिए प्रश्न का उत्तर सी, जो गलत है वही आपका सही होगा। ठीक है यार, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पे, जहां भी देख रहे हैं लोगों तक तो पहुंचाइएगा, कर भला तो हो भला। ठीक है, अगला है आपके लिए, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की, किसकी हो जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? देखिए यहां प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स आप लोग को पता होगा, ये रक्त स्राव को रोकने भूमिका निभाता है, इसकी कमी से असामान्य रक्त स्राव हो सकता है। अगला, कौन सा हार्मोन्स लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? ये सारे परीक्षा वाले प्रश्न है। यहां एंड्रेनेलिन या एपिनेफ्रिन है, ये स्राव से हृदय गति वृद्धि होती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। हार्मोन्स की कमी व्यक्ति खिन्न मन रहने लगता है, ऐसे व्यक्ति को कोकेन या एफेड्रिन औषधियां दी जाती हैं। ठीक है, अगला है, हृदय कब आराम करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो सभी कमेंट करके जवाब देंगे। एकदम यूनिक प्रश्न है, जवाब जरूर दीजिएगा 45 का, फिर वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। ये सिलेक्शन वाली क्लास है, अभी की बार एक सीट हमारा एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलता है। देखिए यहां पर क्या होगा, दो धड़कनों के बीच, हृदय एक मांसल तंत्र है, वयस्क मनुष्य में 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, दो धड़कनों के बीच आराम करता है, दो संकुचनों के बीच काल विश्राम या शिथिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश पाता है तब धमनी की दीवार रक्त में संघर्ष होता है, रक्त का दबाव बढ़ जाता है, हृदय के दो संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भर रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सी है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है, दो संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलन काल कहलाता है, इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों में रिक्त स्थान में प्रवेश पाता है तो धमनियां दीवार और रक्त में संघर्ष होता है,
रक्त का दबाव बढ़ जाता है। तो दो समुच्चयनों के बीच जो रक्त भार रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। ठीक, अगला उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़ा हुआ सवाल है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, सिलेक्शन वाली क्लास है, उत्तर प्रदेश स्पेशल आपके सिलेबस में है। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस काव्य है। इस वीर रस काव्य में महोबा के वीर आल्हा उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। हाँ, इसकी नोट्स उपलब्ध है, इसकी नोट्स आप चाहें तो फर्स्ट पेपर की प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कौन से नोट्स से, कौन से पेज से आपकी किस्मत का दरवाजा खुल जाए। मेरी क्लास निःशुल्क होती है, बाकी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश किस नहर से लाभान्वित होता है? जरूर बताइए। अर्जुन डैम ये महोबा जिले के, जी हाँ, महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बना है। इस प्रकार यह महोबा एवं हमीरपुर जिला, महोबा एवं हमीरपुर जिला की सिंचाई करता है। यह अर्जुन बांध 1957 में बनकर तैयार हुआ था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई। तो अगर जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। इसका क्षेत्रफल 7,680 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर सबसे छोटा पूछा जाता, संत रविदास नगर भदोही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रयागराज, सबसे छोटा महोबा है। जनसंख्या में इलाहाबाद, प्रयागराज सबसे ज्यादा है, सबसे छोटा महोबा है। क्लियर, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद्युर्गेश पर होती है। आपके लिए 11 बजे से एक स्पेशल क्लास शुरू हुई है जो परीक्षा मैगजीन के नाम पर होगी, जहां पे करंट, विविध और उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास होगी। यह क्लास प्रतिदिन ई लर्निंग विद्युर्गेश पर लाइव चलेगी। ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? 9:30 बजे क्लास कभी मत मिस करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे। सुबह 6:30 बजे डेली करंट की सीरीज आती है, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है। आप लोग जुड़े रहिएगा सभी लोग। प्रश्न नंबर 49 एकदम आसान है। राजकीय पृच्छ सारस है, इसे क्रौच भी कहते हैं। ठीक, 50 क्या है? वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जल्दी से कॉमेंट करके बताइएगा। इलानी दुर्गेश पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेली क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है, आप लोग राइट टाइम से लाइव आ जाया करिए। देश हित में, राष्ट्रहित में क्लास आपके लिए है। 11 बजे आज क्लास होगी, लेकिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हो सकता है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन मैं प्रयास करूंगा लेने के लिए। वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है, योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके, कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवा प्रदान करके उपरोक्त सभी। अगर हम 50 की बात करें, प्रश्न नंबर 50 का उत्तर क्या होगा? यह आज का आखिरी प्रश्न है, डेली क्लास के लिए आप लोग को लाइव आना होगा। उपरोक्त सभी, जहां पर यह प्रश्न आ जाए आप तुरंत आंख मूंद कर इसे लगाइएगा। योग्य लाभार्थी विशिष्ट साख जारी करके निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवा प्रदान करके, कम आय वाले लोगों के प्रति वित्तीय सेवा प्रदान करके, माने वित्तीय समावेशन का मतलब समाज के सभी वर्गों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच से है। भारत RBI के अनुसार वित्तीय समावेशन का मतलब अल्प आय तथा कमजोर वर्ग से जुड़े बड़े समूहों को, जो सामान्य रूप से प्रचलित बैंकिंग प्रणाली से बैंकिंग सेवा से लाभ करने से वंचित रह जाते हैं, वहनी लागत पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार इसका उत्तर 4 होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रतिदिन आप लाइव से आइएगा और हम ये प्रयास करेंगे कि आज 11 बजे PM में होगा, रात में होगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं तो हम अपने बचे हुए समय पर आपको क्लास दे सकते हैं, ड्यूटी के टाइम नहीं। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और 11 बजे क्लास अगर आज नहीं हो पाती है कल से जरूर होगी। जी हाँ, सभी लोग जुड़े रहिएगा कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हो सकता है इस वजह से मैं न ले पाऊँ, कि मैं प्रयास करूँगा पूरी तरह से आपकी क्लास लेने के लिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश। अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। परीक्षा वाली क्लास अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। चलिए लोग कहते हैं धीरे पढ़ाते, कुछ कहते हैं तेज पढ़ाते हैं, चलते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते खेत नहीं। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, इसलिए लोगों तक पहुंचाएगा। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है, ईश्वर करे अगली शिक्षक भर्ती में उनकी एक स्थान जरूर फिक्स हो। बाय बाय।